सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। एक्शन च डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा जनाला दे रो रामदास थाने च की गई चैकिंग ड्यूटी च लापरवाही वरतदे दो एसआई किए सस्पेंड। अमृतसर के दिहाती खेतर चुगावा विखे हुई गैंगवार गोलीबारी दौरान एक महिला की मौत, उसका बेटा गंभीर जख्मी। अकाली विधायक मनप्रीत अयाली के घर आमदन टैक्स विभाग की छापेमारी। विधायक के घर के दफ्तर चीडी की टीम ने मारिया छापा, कई रिकॉर्ड किए गए जब्त। हुण खबरां विस्थार दे नाल। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा इन्हीं दिनी एक्शन मोड च नजर आ रहे हैं, जो ड्यूटी दौरान कुताही वरतन वाले पुलिस अधिकारियों से लगातार अपनी दबिश बना रहे हैं। इसे कड़ी के चलदियां डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने अजनाला के थाना रामदास की अचानक चैकिंग की। चैकिंग दौरान उन्होंने लापरवाही कर रहे दो एसआईज नूं मुअत्तल भी कर दिता। इस दे नाल ही नाइट इंचार्ज नूं भी लाइन हाजिर कर दिता। इस तों इलावा बाकी सारे पुलिस मुलाजमान नूं तनदेही नाल काम करन दे हुक्म जारी किए। अमृतसर के चुगावा कस्बे विच उस समय दहशत फैल गई जदों कार सवार हमलावरां ने गगनदीप के घर के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस दौरान गगनदीप तां गंभीर जख्मी हो गए, लेकिन उस नूं बचाउण आई उसकी मां की गोलियां लगन नाल मौके ते ही मौत हो गई। जख्मी नौजवान नूं अमृतसर के निजी हस्पताल विखे इलाज लई दाखिल करवाया गया। उधर पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि गगनदीप ते गोपी महल की पुरानी रंजिश चलती आ रही सी, जिसके चलते कुछ नौजवानों वालों गगनदीप के घर ते हमला किया गया, जिस नाल गगनदीप जख्मी हो गया ते उसकी मां की मौत हो गई है। बाकी पुलिस वालों जांच की जा रही है ते जख्मी नौजवान ते गोपी माहल ते पहला भी कई केस दर्ज ने ते यह मामला गैंगवार दा जापदा है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि 19 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरपुरब पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। उन्होंने समुची संगत नूं अपील करदे कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव नूं असी महा उत्सव के रूप में मनाईए ते अपने घरां ते कारोबार की जगह ते दीपमाला करिए। दीन दुनिया दिवाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब हर साल गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत समुचे विश्व भर के अंदर महा उत्सव के रूप के श्रद्धा भावना के नाल उत्साह के साथ मनाउंदी है। इस वार श्री गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी एक महा उत्सव के रूप के सिख संगत वालों मनाया जाना है। श्री अकाल तख्त साहिब वालों समूह सिख संगत लई एक संदेश है, बलियो चराग अंधियार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म। उपरोक्त महावाक अनुसार ज्ञान दे सोमे साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने एक नाम की बरकत नाल सारे जगत को अज्ञानता के हनेरे विचों कढ के ज्ञान दे नाल रोशनाया अते वख वख जातां मजहबां फिरकियां कबीलियां नस्लां आदि के रूप दे विच बिखरे समाजां नूं नफरत तो रहत सर्ब सांझे भाईचारे के रूप दे विच इकट्ठे होने का महान संदेश दिता। हलका दाखा तो अकाली विधायक मनप्रीत अयाली के घर आमदन टैक्स विभाग वालों छापेमारी की गई। दसिया जा रहा है कि विधायक मनप्रीत अयाली के घर फार्म हाउस अते दफ्तर ते आईटी वालों छापा मारिया गया। मनप्रीत अयाली के घर वड्डे काफले च आईटी दी टीमां पहुंचियां ने। इस दौरान ईडी दी टीम वालों सारे रिकॉर्डां दी जांच की गई, पर इस छापेमारी बारे कुछ भी दसण तो इनकार कर दिता गया।
पंजाब वजारत की अहम मीटिंग चंडीगढ़ विखे हो जा रही है। यह मीटिंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई दोपहर 3:15 होगी। मीटिंग दौरान अहम फैसलों से मोहर लगन की संभावना है। यह भी दसिया जा रहा है कि नौकरियों पंजाबियों के राखवे करन ते भी मीटिंग दौरान विचार चर्चा की जा सकती है। दसनयोग है कि मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वह जल्दी ही सरकारी ते निजी खेत्र दी नौकरियों च पंजाबियों का राखवाकरण यकीनी बनाने लई एक कानून नूं लैके आउणगे। एक विशेष मीडिया इंटरव्यू दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वह पंजाबियों दी नौकरियों संबंधी कानूनी टीम नाल सलाह मशवरा कर रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी के शहीदी पुरब नूं समर्पित दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों विशेष कीर्तन समागम का आयोजन भाई अमनदीप सिंह वालों किया गया। इस मौके वड्डी गिनती विच दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कीर्तन समागम दे विच हिस्सा लिया। इस मौके भाई गुर इकबाल सिंह, भाई अमितेश्वर सिंह, भाई सिमरनजीत सिंह, भाई गोबिंद सिंह, भाई जसविंदर सिंह, भाई गुरचरण सिंह, भाई गुरप्रीत सिंह ते मीडिया इंचार्ज मौजूद रहे। बाबा दीप सिंह जी उन्हों का शहीदी दिहाड़ा उस संबंध के ही दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों समागम उलीके गए ने। इन समागमों का इको एक मनोरथ है कि जो धन धन बाबा दीप सिंह जी ने धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों के नाल इहोजिहा प्यार किया, इहोजिहा प्यार किया कि एक बारी गुरु रामदास पातशाह जी के चरणा दे विच इहो जिहा मत्था टेकिया, मत्था टेकण तों बाद सदा सदा वास्ते साडे लई इह पूरने पा दित्ते कि मेरे बच्चिओ जे गुरु दे चरणा विच तुसीं वी मत्था टेकणा ना इहो जिहा टेकिओ अपना आप समर्पित करन वाला। जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली वाला मत्था टेकिओ। अज बाबा दीप सिंह जी का शहादत का दिन और पूरे वर्ल्ड दे विच इको एक एहो मिसाल है, दूजी मिसाल नहीं मिलती कि कोई एहो जिहा गुरु का प्यारा होवे जिन्हें एक हाथ में सीस पकड़िया होवे और दूसरे हाथ में खंडा पकड़ के दुश्मनों के नाल जिहड़ा जूझिया होवे। केंद्र ने अंग्रेज़ां दे समय की व्यवस्था खत्म करते हुए लोड़िंदियां मुढ़लियां सहूलतां वाले हस्पतालां च दिन डुबन तो बाद भी पोस्टमार्टम करन दी इजाजत दे दित्ती है। हालांकि इन्हां च हत्या, आत्महत्या, कटियां वड्डियां लाशां ते शक्की हालत च होई मौत दे मामले नूं शामिल नहीं कीता गया। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने हिंदी च ट्वीट कीता, अंग्रेज़ां दे समय दी व्यवस्था खत्म ते 24 घंटे हो सकेगा पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सुशासन दे विचार नूं अगे वधाउंदे होए सेहत मंत्रालय ने फैसला कीता है कि जिन्हां हस्पतालां च रात नूं वी पोस्टमार्टम करन दी सहूलत है उह हुण सूरज डुबण तों बाद वी पोस्टमार्टम कर सकणगे। अदाकार ते समाज सेवी सोनू सूद वालों अपनी भैन मालविका के नाल विधानसभा हलका मोगा दे 8 पिंडां विच मीटिंगां कीतियां गईयां। इन्हां विच जिला योजना बोर्ड दे चेयरमैन इंद्रजीत सिंह बीड़ छड़िक ते जिला कांग्रेस कमेटी मोगा दे साबका प्रधान करनल बाबू सिंह ने भी शमूलियत की। सोनू सूद का कहना है कि पिंडां विच सेहत ते सिक्ख्या दे म्यार नूं उच्चा चुकण लई काफ़ी कुछ करन दी लोड़ है ते इस करके ही उह पिंडां विच गए सन, पर उन्हां दीआं बैठकां च कांग्रसियां दी शमूलियत कारण उन्हां दे कांग्रेस च शामिल होण दीआं चर्चावां जोरां ते हो गईआं ने। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दा एक वफद 17 नवंबर नूं सवेरे करीब 11 बजे चंडीगढ़ विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल मुलाकात करेगा। बैठक तो बाद किसान जथेबंदियां वल्लों किसान भवन विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा दे प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल गल्लबात दौरान कई मंगां रखियां जाणगियां। उन्हां दस्सिया कि मुख मंगां विच DAP दा लोड़ींदा स्टाक ते समें ते सप्लाई झोने दी खरीद जारी रखण, गुलाबी सुंडी नाल नष्ट हुई कपाह ते मक्की दी फसल दा मुआवजा, किसानां दा कर्जा, फिरोजपुर दी घटना विच शामिल अकाली नेतावां दी गिरफ्तारी, किसान अंदोलन दे शहीदां दे वारसां नूं जल्दी मुआवजा ते रोजगार दी व्यवस्था, सब्जी उत्पादकां नूं बिजली दी सप्लाई यकीनी करन तों इलावा खेती दे होर मुद्दिआं नूं वी चुक्किआ जावेगा।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।